एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आज है 1 जुलाई, आज है 1 जुलाई 2020। तो इस वीडियो में आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो प्रत्येक वर्ष 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। अगर बात करें ट्रॉपिक्स की, ट्रॉपिक्स किसे कहते हैं? सो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा उनके बीच में आने वाले, कर्क रेखा और मकर रेखा उनके बीच वाले एरिए को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स, ठीक है। और इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ट्रॉपिक्स में क्षेत्र अनुसार दुनिया के लगभग 95% मैंग्रोव है, ठीक है। मैंग्रोव प्रजातियों के अनुसार 99% मैंग्रोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 वैश्य शुद्र ग्रह दिवस की किस वर्षगांठ को चिन्हित करा गया है? सो हाल ही में इसकी 6वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है। बात करें इसके बारे में, सो बेसिकली ये दिन मनाया क्यों गया है? शुद्र ग्रह के बारे में जागरूकता फैलाने, इसकी तीव्रता और दुर्घटनाग्रस्त होने पर पृथ्वी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया गया ये? 30 जून को। कौन सी वर्षगांठ थी? 6वीं, ठीक है। और 30 जून की तारीख का चयन तुंगस्का घटना की सालगिरह के प्रतीक के रूप में किया गया है, ठीक है। ये एक इंसिडेंट है जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आदेश दास ने अपनी कविताओं की 4वीं किताब द योगिनी पोएम्स, ठीक है, किसने? डॉक्टर आदेश दास ने लव एंड लाइफ जारी की है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो वो किस राज्य से है? उड़ीसा से, ठीक है। तो बात करें डॉक्टर आदेश के बारे में, तो देखो वह उड़ीसा की जानी मानी कवित्री हैं। आदेश दास ने अपनी कविताओं में 4वीं किताब दई योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ जारी की है। यह हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित है, हीरापुर के 64 योगिनियों पर उनकी पहली गैर काल्पनिक पुस्तक थी। हीरापुर की 64 योगिनियाँ तंत्र से पर्यटन अमेजन बेस्ट सेलर किताब जीत चुकी है, ठीक है। कौन सा? बेस्ट सेलर किताब जीत चुकी है और लगातार 4 महीने तक शीर्ष 10 में बनी रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आज मैं ऑप्शंस को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस और लास्ट में जितने भी ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड सारी न्यूज़ एक साथ, करंट अफेयर्स, सारे करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन, ईरान की इस्लामिक क्रांति गार्ड कॉर्प्स की, ईरान की इस्लामिक क्रांति गार्ड कॉर्प्स किस वर्ष तक हिंद महासागर में एक स्थायी आधार योजना बना रही है? सो ये किस वर्ष तक अपनी आधार योजना बना रही है? 2021 तक, ठीक है। बात करें इसके बारे में, सो देखो हाल में ईरान की इस्लामिक क्रांति गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने घोषणा की है कि वे अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक स्थायी आधार स्थापित करने की योजना बना रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने IRGC को पानी में स्थायी उपस्थिति के साथ काम सौंपा है, ठीक है। तदनुसार IRGC मार्च 2021 के अंत तक हिंद महासागर में एक स्थायी आधार बनाने की योजना बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जून 2020 में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाई है? सो हाल में 59 पे, ठीक है। सो हाल में भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें शामिल कौन कौन से हैं? जैसे टिकटॉक, हेलो, वीचैट, सीन, जेंडर, शेयर इट, इन सब पे रोक लगा दिया है। ये ऐप उन सूचनाओं को देखते हुए प्रतिबंध कर दिए गए हैं जो उन गतिविधियों में लगी हुई है जो देश के संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और राज्य और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह से भरी हुई है, ठीक है। सो पूर्वाग्रह से भरी हुई है, इसके लिए इनको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देशव्यापी तालाबंदी के 3 चरण के निकास योजना
के पहले चरण का अंतिम दिन है। सो कौन सा है इसका अंतिम दिन? सो 30 जून। ठीक है, बात करें इसके बारे में। सो देखो, 30 जून 2020 देशव्यापी तालाबंदी लॉकडाउन से तीन चरण की निकास योजना से पहले चरण का अंतिम दिन है। 1 जून 2020 को अनलॉक का पहला लॉकडाउन का पांचवा चरण शुरू हुआ है और पूरे भारत में अधिकांश गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति मिली। सरकार ने राज्यों और राज्यों के बीच माल और व्यक्तियों के निरंकुश आवागमन की अनुमति दी। 30 जून से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये और है, 30 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्रिज्म दिवस मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्रिज्म दिवस मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले के लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है? सो हाल ही में अमेरिका ने, देखो अमेरिका में अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले राष्ट्रीय स्मारकों को तोड़ फोड़ रहे हैं। इस वजह से हाल ही में अमेरिका ने प्रावधान निकाला है कि जो भी राष्ट्रीय स्मारकों को अब नुकसान पहुंचाएगा उसको 10 साल की सज़ा होगी। ठीक है, बात करते हैं बांग्लादेश, ईरान, सिंगापुर, इन सब के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है, करंट अफेयर से ही है ये, इनको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वह किससे संबंधित है? सो वो कौन थी? एक लेखक थी। हाल ही में चीन में महामारी फैलने में सक्षम एक नए वायरस का पता चला है। देखो कोरोना अपने चरम सीमा पे है, जैसे कहा जाता है कि वो भी चीन की देन है। सो हाल ही में एक और नया वायरस G4 फाउंड किया गया है, किसमें? चाइना में। सो अकॉर्डिंग टू लाइक रिपोर्ट्स ये कहा जा रहा है कि ये वायरस भी महामारी फैलाने में सक्षम है। दिस वायरस ऑल्सो केपेबल टू स्प्रेड द पेंडेमिक डिजीज, राइट? सो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में भारत की किस IIT ने ऑनलाइन BSc डिग्री की शुरुआत की है? सो अभी रिसेंटली इंडिया की कौन सी IIT ने प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस की ऑनलाइन डिग्री की शुरुआत की है, वो किसने करी है? IIT मद्रास ने। ठीक है, सो वो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर्स। धर्मेंद्र प्रधान ने एक सुविधा का उद्घाटन किया है। धर्मेंद्र प्रधान है कौन? केंद्रीय इस्पात मंत्री। ठीक है, सो उन्होंने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा निर्माण उद्योग को जस्ती रिबोर की आपूर्ति बहुप्रतीक्षित आवश्यकता का समर्थन करेगी। ठीक है, जस्ती स्टील एक मजबूत सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। ठीक है, नेक्स्ट, सो हाल ही में मतदाताओं की उम्र सीमा कम कर दी गई है, किसमें? लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चुनने के लिए मतदाताओं की आयु सीमा कम कर दी गई है। और भारत में बिहार पहला राज्य होगा जिसमें कोरोना वायरस के प्रकोप में विधानसभा चुनाव होंगे। ठीक है, और बिहार के मतदाता संशोधित नियमों से सबसे पहले लाभान्वित होंगे। 19 जून 2020 को नियमों में एक नए बदलाव को अधिसूचित किया गया था जिसमें 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग पोस्टल बैलेट का विकल्प चुनने की अनुमति मिली है। तो हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर, हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने डेक्सामेथासोन को एक सिफारिश दी है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय COVID-19 मामलों के प्रबंधन के लिए मेथिल प्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन के उपयोग को शामिल किया गया है? डेक्सामेथासोन एक कार्टिकोस्टेरॉइड दवा है जिसका उपयोग इसके सूजन रोधी प्रभावों के कारण कई स्थितियों में किया जाता है। अस्पताल में भर्ती COVID-19 रोगियों की रिकवरी क्लिनिकल प्रशिक्षण में दवा का उपयोग किया गया है और गंभीर रोगियों के लिए इसे लाभदायक पाया गया है। सो ये गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट, सो MSME राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने विश्व MSME दिवस यानी 27 मार्च 2020 को भारतीय उद्यमियों के लिए एक MSME फॉर्म का शुभारंभ किया। लॉन्च के दौरान उद्घाटन भाषण MSME फॉर्म के CEO आशुतोष कुमार ने दिया। ठीक है, 1 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME परिभाषा के ऊपर संशोधन को मंजूरी दी।
जो अब निवेश 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। सो एमएसएमई फॉर्म फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर, याद रखना। सो हाल ही में दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की स्थापना होगी, ठीक है। प्लाज्मा बैंक की स्थापना कौन करेगा? दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 जून 2020 को कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की। अगले 2 दिन में प्लाज्मा बैंक का संचालन शुरू हो जाएगा और बैंक की स्थापना दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलेरी साइंसेज ILBS में की जाएगी, जो COVID-19 अस्पताल नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ है। समझौता किसका हुआ है? 600 मेगावाट के खोलो गछू भारत भूटान संयुक्त उद्यम पन बिजली परियोजना के लिए, परियोजना का नाम याद रखना, ठीक है, के लिए 29 जून 2020 को एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को 2025 की दूसरी छमाही में पूरा होने की उम्मीद है। 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान में ट्रेसी यांगत्से जिले में छलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है, ठीक है। सो नदी का नाम याद रखना, परियोजना का नाम याद रखना और किसके साथ हुआ है ये याद रखना। सो हाल ही में महाराष्ट्र, देखो सारे ऑप्शन सब डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र भी ऑप्शन में था, सो इसलिए अब ऐसे ही होगा, पहले क्वेश्चंस होंगे फिर ऑप्शंस को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च करने के लिए तैयार। सो प्रोजेक्ट प्लेटिना है क्या? महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी पर एक व्यापक प्रशिक्षण करेगा। पहला प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण पहली बार अप्रैल 2020 में किया गया था, जिसके बाद केंद्र से और प्रशिक्षण करने की अनुमति मांगी गई थी, ठीक है। तो हाल ही में हरसिमरत कौर ने एक योजना शुरू की। कौन है हरसिमरत कौर? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 29 जून 2020 को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना का पीएम औपचारिकरण शुरू किया। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 90,00,000 कुशल और अर्धकुशल रोजगार सर्जती होंगे और 8,00,000 इकाइयों का लाभ होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान आजकल बहुत ही न्यूज़ में है। सो इंडियन ऑयल का फरीदाबाद में R&D कैंपस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकास और प्रीनियोजन केंद्र की आधारशिला IMT फरीदाबाद में एक दूसरे R&D कैंपस की रूप में रखी है। नया केंद्र 2282 करोड़ रुपए का निवेश के साथ और लगभग 59 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट, सो हाल ही में जो CSIR के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऑक्सीजन यूनिट विकसित की। ऑक्सीजन यूनिट, देखो बेसिकली जो COVID-19 पेशेंट लोग होते हैं, उनको अगर स्टार्टिंग में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उनको बाद में वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार किया है, जिसका उपयोग घरों और अस्पतालों में किया जा सकता है। इस इकाई की एक विशेषता यह है कि इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती और इस इकाई के उपयोग में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, सो हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रादेशिक जल, ठीक है, और अन्य आर्थिक क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के अनुसंधान सर्वेक्षण अन्वेषण शोषण गतिविधियों के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। मंत्रालय ने ई गवर्नेंस डिवीजन की सहायता से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया है, ठीक है। NOC जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। NFL ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने किसानों के घर पर मुफ्त मिट्टी के नमूनों का प्रशिक्षण करने के लिए 5 मोबाइल मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। यह उर्वरकों को उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में मृदा प्रशिक्षण सुविधा को बढ़ावा देगा
और मृदा के सूक्ष्म और सूक्ष्म पोषक विश्लेषण के लिए नवीनतम मृदा परीक्षण उपकरणों से सज्ज इन मोबाइल और लैब्स का उपयोग किया जाएगा। सो मिट्टी की क्वालिटी को देखने के लिए, मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, सोइल के लिए ये नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने कदम उठाया है। नेक्स्ट, सो हाल ही में एयर इंडिया की समय सीमा बढ़ाई गई है। सरकार ने फिर से एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा की 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। यह तीसरी बार समय सीमा बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय वाक के लिए विभाजन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2020 को शुरू हो गई थी। इसके अलावा इच्छुक बोलीदाताओं को सूचना देने की तिथि 14 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। हाल ही में हरियाणा 1000 आयुष सहायकों की भर्ती करेगा और 22 आयुष कोचों को हरियाणा में योग के लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योगशालाओं में जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा, ठीक है। भर्ती जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। ये आयुष योगशालाओं के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। जो हाल ही में मिजो शांति समझौते की 34वीं वर्षगांठ मनाई गई। मिजोरम में लोगों ने 30 जून 2020 को ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की 34वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है। 30 जून 1986 को केंद्र सरकार ने तत्कालीन भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राज्य सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के जश्न के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो कोविड-19 महाराष्ट्र में अपनी चरम सीमा पर है। सो हाल ही में महाराष्ट्र से न्यूज़ आई है कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाएगी और कॉलेज स्कूल सब बंद रहेंगे। तो प्रतिबंध लगाने पर महाराष्ट्र जितने हो सके उतने प्रतिबंध लगा रहा है और नए निर्देशों के अनुसार लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर यात्रा करने की अनुमति केवल कार्यालयों में और आवश्यक सेवाओं के लिए खरीदारी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। सो ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु विश्वविद्यालय ने IIHT स्लैम के साथ हाथ मिलाया है। तिरुवर तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्लैम में कार्यरत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। समझौते के अनुसार विश्वविद्यालय वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से हैंडलूम टेक्नोलॉजी में बीटेक की परीक्षा और पुरस्कार प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन दोनों संस्थापकों के बीच अकादमी सहयोग को आगे बढ़ाएगा। तो हाल ही में वडोदरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। सो गुजरात वडोदरा जिले ने जिले को 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना का सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह सफलता हासिल करने वाला वडोदरा देश का पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने 9 महीने की छोटी अवधि के भीतर परियोजना को पूरा किया। यह परियोजना 6 करोड़ रुपए की कुल लागत से पूरी हुई है। हाल ही में असम मंत्रिपरिषद ने MSME अध्यादेश पारित किया है, ठीक है। सो इतना ही याद रखना, असम ने किया है। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मैंने कोशिश करी है कि जितना ईजिली हो सके आपको समझा पाऊँ, और करंट अफेयर्स की हिंदी में डिमांड थी ज़्यादा, PDF हिंदी में चाहिए थी, तो मैं PDF हिंदी में लेके आया हूँ। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।